अगर आप चाहते हैं खुद का आशियाना तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं घर खरीदना तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप रहना चाहते हैं खुद के घर में तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जल्द ही आपको बैंकों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 0.25% कटौती के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है, जिससे अब रेपो 6.50% से घटकर 6.25% हो गया है। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती का फायदा अब आम आदमी को भी मिलने वाला है। जल्द ही बैंक होम लोन के ब्याज दरों में भी कमी का ऐलान कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज दर में कटौती से लोगों की ईएमआई कम होगी, क्योंकि अब बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग मिलेगी, जिसका सीधा असर बैंक लोन पर पड़ेगा। बैंक लोन सस्ता होने से आपकी ईएमआई या लोन रीपेमेंट पीरियड में कटौती का फायदा मिलेगा, जबकि रिवर्स रेपो रेट भी घटाकर 6% कर दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि उन्होंने बताया कि खुदरा महंगाई दर के जनवरी मार्च में 2.4% और अप्रैल से सितंबर में 3.2 से 3.4% रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई ने किसानों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। बिना किसी गिरवी के किसानों के लिए कृषि कर्ज सीमा 60,000 रुपए बढ़ा दी गई है। किसान अब बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब तक आरबीआई का रेपो रेट 6.50% था और लोग आरबीआई से कटौती की उम्मीद कर रहे थे। इससे पहले दिसंबर 2018 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन उस वक्त आरबीआई की ओर से कहा गया था कि अगर मुद्रास्फीति का जोखिम नहीं हुआ तो भविष्य में रेपो रेट में कटौती संभव है, और अब आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने 1 अगस्त 2018 को रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 6.50% कर दिया था। केंद्रीय बैंक में पिछली 3 मौद्रिक समिति बैठक में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष में 2 बार 0.25% की बढ़ोतरी जरूर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।